हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वनपाल, वनरक्षक और पीटीटी के लिए रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले प्यारे साथियों, जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। और आज वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, मैं बता दूँ आपके लिए, आज ये सुपर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और इस टेस्ट को आपको देख के देखना है कि आपको इनमें से कितने प्रश्न पहले से आ रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कलेक्शन इसमें लेकर आया हूँ। तो आज का पहला प्रश्न आए, उससे पहले बता दूं प्यारे साथियों, राजस्थान क्लासेस पर आप पहली बार हो, राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुबह 9 बजे क्लास होती है, रात को 9 बजे भी क्लास होती है। फिलहाल 2 क्लासें हो रही है, एग्ज़ाम आने पर 3, 4, 5 क्लासेज भी आपके लिए लगा दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को अपन क्या कहते हैं? ताम्र व टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यह आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पीतल होगा, ड्यूरालूमिन होगा, या फिर कांसा होगा, या फिर सोल्जर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कांसा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। ताम्र और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। जिन्होंने भी सी ऑप्शन किया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु जो है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा होगा, या एल्यूमिनियम होगा, या ब्रोमीन होगा, या तांबा होगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगला है कि भाई सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को अपन क्या कहते हैं प्यारे साथियों? स्टील उपधातु, गन मेटल, या फिर सोल्जर। और राइट आंसर अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर डी ऑप्शन हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपन यहाँ पर शोल्डर को लॉक करेंगे, ठीक है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। सीसा और टिन की दोस्तों देखिए, सीसा और टिन की मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं, और ताम्र और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। और अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों बता दूँ आपको, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए, और चीख चीख कर कहे, तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके, तो तुम बुरी तरह परास्त हो चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है ना, तब तक कोई भी कहीं भी कभी भी आपको हरा नहीं सकता। मेरे साथियों, ये गारंटी के साथ लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो रेगुलर अपनी स्टडी को आयाम देते रहिएगा। नंबर 4 है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप जो है सबसे अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा जो यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, या कॉपर हाइड्रोइड बनता है, या फिर कॉपर ऑक्साइड बनता है, या फिर कुछ नहीं। तो कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो प्यारे साथियों, कॉपर ऑक्साइड बनता है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? सी ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? प्यारे साथियों जल्दी से बताना है, सिलिका जो है ना ये क्या है? देखिए, उपधातु है, या धातु है, या फिर अधातु है, या फिर इनमें से नहीं। सिलिका क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, सिलिका जो है ना एक उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इतना। सिलिका एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, ये धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, ये धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? कठोरता को, या आघात वर्ध्यता को, या फिर चालकता को, या सक्रियता को। आई थिंक राइट आंसर आपने देख लिया होगा कि क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, मतलब कि आघात वर्ध्यता हो जाएगा। आघात कर कर के जो है इसको आसान बनाया जा सकता है, तो ये गुणधर्म यही है आपका, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आसान सा था। और अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आता है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद है तो उसे अपन क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु, या आयरन मिश्र धातु, या फिर
अम्लगम या फिर जो है जिंक मिश्र धातु। तो प्यारे साथियों अम्लगम हो जाएगा अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अम्लगम कहते हैं, अम्लगम कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, जल्दी बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो प्यारे साथियों हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा अगला प्रश्न आप कर पाएंगे क्या, ये लो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता, इनमें से जो कौन सा गुण जो है वो कार्बनिक यौगिकों में प्रायत होता ही नहीं है, तो जल में विलयता, निम्न द्रवणांक या ज्वलनशीलता या फिर सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जल में विलयता, क्या, जल में विलयता हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो अगला आता है जस्ता के आईएस कौन से नंबर 11 क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ते के अयस्क जो है ना जिंक ब्लेड है या बॉक्साइट है या फिर अपना सोडियम क्लोराइड है या फिर सिनावार है। जस्ते के अयस्क की बात करें तो जिंक ब्लेड है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल प्यारे साथियों ध्यान रखियो। और नंबर 12 क्वेश्चन, नंबर 12 है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। देखिएगा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखियो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक है ना। चलो अगला प्रश्न नंबर 13 कि भाई इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, इस्पात जो होता है दोस्तों ये खनिज, और इसमें कितने प्रतिशत जो है कार्बन होता है, 3% या 4 या फिर 2 या फिर 5, ये मैंने किसी आपको मॉडल पेपर में दिया होगा शायद, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है 2% इस्पात में कार्बन होता है, ध्यान रखियो। नंबर 14 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना, तो नंबर 14 में ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, लोहा, सोना, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। राइट आंसर बोले सर हम तो कर ही लेंगे, एल्यूमिनियम नहीं होगा, पोटाशियम भी नहीं होगा, सोना हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, इनमें से कौन सा जो धातु है वो जल में डालने पर तैरने ही लग जाता है, तो कैल्शियम होगा, निकेल होगा, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा कैल्शियम, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कैल्शियम जो ये धातु जो है ना जल में डालने पर तैरने भी लग जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, तन्यता, कठोर, आघातवर्धिता या चालकता। इसमें आपका राइट आंसर होगा तन्यता है ना, क्या हो जाएगा, तन्यता हो जाएगा, एक धातु के टुकड़े को पतले तार से खींचे, धातु से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के तन्यता गुणधर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी है धातु चमकीली है, भाई ये बताना है इनमें से कौन सी अधातु जो चमकीली है, कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो इनमें से कौन सी जो धातु है अधातु जो चमकीली है, तो ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। नंबर 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, देखिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कुचालक होता है या चालक और सुचालक होता है, राइट आंसर बताना है आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुचालक होता है, ए ऑप्शन अपन लॉक करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है देखिएगा नंबर 19, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है,
सोना, पोटाशियम, सिल्वर, लेड। देखिए कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, राइट आंसर हो जाएगा अपना पोटाशियम। पोटाशियम हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक करेंगे भैया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक, देखिए प्यारे साथियों आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, या उच्च होते हैं, या फिर सामान्य होते हैं, या फिर सभी कथन सत्य होते हैं। तो राइट आंसर निम्न, उच्च, सामान्य या सभी कथन सत्य। देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं भैया, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये तो अपन क्वेश्चन पढ़े हुए भी हैं, एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन के आधार पर अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, है ना। अगला प्रश्न नंबर 21 में कि भाई निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन नहीं है, इनमें से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है। प्यारे साथियों ऑक्सीकरण नहीं है वो आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण या भोजन का पचना, या फिर श्वसन, या फिर दहन। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो प्यारे साथियों अवक्षेपण ये ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी सारे ऑक्सीकरण है। आसान तो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे सारे भाई बने। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विस्थापन होगा, उदासीनीकरण होगा, या संयोजन होगा, या अवक्षेपण होगा। तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, उदासीनीकरण बी ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉक, है ना, उदासीनीकरण। इम्पोर्टेंट है भाई, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पूछा ये जा रहा है आपसे कि भाई संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो संक्षारण है ना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण अभिक्रिया है, या उपचयन अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, मतलब कि सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया है भैया, ध्यान रखियो। और अगला प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा देखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे तो अपन रसायन कहते ही है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों अपचयन नहीं कहलाता, ऊष्मा शोषण भी नहीं कहलाता, विस्थापन भी नहीं कहलाता, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्लियर है। ओके सर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। इनमें से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो भाई राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ये हमेशा युग्म होते हैं, ये हमेशा साथ साथ ही होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला आता है नंबर 26 में कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाने वाले आपको, उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन या अवक्षेपण, तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन उदासीनीकरण, उदासीनीकरण हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं, या अवकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, या फिर ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो दोस्तों सुपर टेस्ट है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका, अभिकारक, लास्ट तक आपको बने रहना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अभी अपना कुछ समय भी नहीं हुआ इतना, कोई पूरे 40 क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी बता दीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। श्वसन जो है ना, श्वसन ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, द्वि अपघटन अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया उन सभी का राइट है।
प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 14 से कम होता है, या 10 और 14 के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पूछा था एक एग्ज़ाम में प्यारे साथियों, सॉरी एक पेपर में पूछा था, 7 से कम होता है, कितना 7 से कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 30 क्वेश्चन, नंबर 30 में ये पूछा जा रहा है कि विक्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त क्या होता है? ओ देखिएगा आयन होता है, देखिए ओ एच माइनस आयन होता है या फिर एच प्लस आयन होता है या दोनों आयन होते हैं या कोई आयन नहीं होता। तो इसमें आपका राइट आंसर भैया जो हो जाएगा ना वो ए ऑप्शन होगा भाई साहब, कतई जहर है ना, बिल्कुल जो है मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा। और आपको लास्ट तक बने रहना है, कोई काम करो तो जज्बात के साथ करो, आलस करने में आलस करो, आलस मत करो बस, है ना, आलस करने में आलस करो, आलस मत करो, ये चीज़ आपको बस नोट करनी है, आगे बढ़ना है इसको लेके। अगला प्रश्न नंबर 31 पूछा क्या जा रहा है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं या क्षारीय होते हैं या फिर सभी? मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं ना वो क्षारीय होते हैं प्यारे साथियों, कौन से होते हैं? क्षारीय होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिए कि ये चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके बनने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। और नंबर 32 जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपको, है तो सोडियम को नहीं काटा जा सकता प्यारे साथियों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सोडियम हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों अभी तक आपके कितने सही हुए, पासा पलट सकते हो मेरे दोस्त, पासा पलट सकते हो, अभी भी आपके लिए क्वेश्चन आसान आने वाले हैं, है ना। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। जी बिल्कुल। नंबर 33 आभूषण बनने वाला सोना होता है वो कौन सा होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। देखिए 33 में कि आभूषण बनने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है प्यारे साथियों, 22 कैरेट का। और 24 कैरेट का जो होता है सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट का सोना जो होता है सबसे शुद्ध सोना होता है, सबसे शुद्ध सोना होता है, लेकिन 22 वाला ये इससे आभूषण बनते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं प्यारे साथियों? नंबर 34 सिल्वर तथा कॉपर जो है ना ये ऊष्मा के क्या होते हैं? अच्छे, सबसे अच्छे चालक होते हैं या फिर कम चालक होते हैं या अचालक होते हैं या सबसे अच्छे कुचालक होते हैं? तो प्यारे साथियों सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है ये बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, मरकरी, चांदी, अन्य। राइट आंसर हो जाएगा मरकरी प्यारे साथियों। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो भैया मरकरी जो है ना ये मरकरी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं? इनमें से कौन से धातु को केरोसिन जो तेल होता है उसमें भी अपन डुबो कर रख सकते हैं? सोडियम को या मैग्नीशियम को या जिंक को या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे साथियों इनमें से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं? सोडियम को डुबो कर रख सकते हैं, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बने यहाँ पे साइंस के हैं वे तो सही कर ही रहे होंगे, और जो आर्ट्स से है मेरे काफ़ी भाई बने उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप भी कर लेंगे, है ना। नंबर 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा देखिएगा। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? निम्न में से कौन सी अधातु जो है कौन सी अधातु पानी में डुबो कर भी रखी जा सकती है? और किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं प्यारे साथियों? सोडियम को। उसी प्रकार से निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबो कर रखी जा सकती है? श्वेत फॉस्फोरस को रखी जा सकती है। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन। अगला है नंबर 38।
निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? देखिएगा, इनमें से कौन सी धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध है, उपलब्ध पढ़िएगा इसको, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम, कॉपर या लेड। ये आसान है भैया, ये बहुत आसान है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर ही हो जाएगा साहब, है ना। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्टी में, देखिए भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातु है निम्नांकित में से कौन सी है? भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली लिख दीजिएगा वाली धातु है निम्नांकित में से कौन सी है? AgMgAl या ZN? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल आसान था। मैं आपको अब लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। प्यारे साथियों, 40 क्वेश्चन है, बहुत है, सुपर फास्ट टेस्ट हुआ है थोड़ा सा, इसमें एडवांस कुछ भी नहीं देखा मैंने, जैसा कि आपको बताया इससे पहले आपको विदित होगा कि मैंने सारा कुछ बता दिया है जो भी है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु है, निम्न में से कौन सी अधातु है? वैसे फिलहाल दोस्तों ये क्लास भी आपको मुश्किल से ही दे पा रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ ये भी मुश्किल से दे पा रहा हूँ, बट दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए, निम्न में से कौन अधातु है, इन चीज़ों का पता भी मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। इन चीज़ों का देखिए मैं पहले बता दूं तो आप भी हार मान लेंगे, आप भी आलस कर लेंगे कि सर कोई बात नहीं है ये वो, लेकिन ये चीज़ें भी अपन बाद में करेंगे जब एकदम से माहौल जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, निम्न में से कौन अधातु है, इसका राइट आंसर, 40 का राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है पहले साथियों। उम्मीद आशा है कि आपको ये सुपर फास्ट टेस्ट रहा था ये अच्छा लगा होगा, बेस्ट लगा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है प्यारे साथियों, एक लाइक ज़रूर बनता है। काफ़ी भाई ने लाइक नहीं करते तो भैया, नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ते रहें उसी में मेरी खुशी है प्यारे साथियों, है ना। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहिएगा, अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा, और आप सभी का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद, स्नेहपूर्वक धन्यवाद।